हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी 5A या किसी भी शाओमी डिवाइस में एक न्यू बीटा अपडेट मिला है जिसका नाम है 9.5.16, जिसके अंदर आपको क्या कुछ चेंज मिलता है तो सारा कुछ इसके अंदर हम बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन आप शाओमी या कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस अपडेट में कुछ दो तीन चेंजेस किए गए हैं और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। तो सबसे पहले चेंज की बात करें तो सबसे पहला चेंज भी आपको ऐड में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम कुछ स्लाइड करेंगे और ऐप वॉलेट में अगर आपने यूटिलिटीज़ को ऐड कर रखा होगा तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मोर का ऑप्शन जो पहले था। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी आ जाएंगे, देख सकते हैं आज तक वो मतलब सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशन थी वो इसके अंदर आप देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे सामने कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक प्रकार से ऐड ही है, कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है क्योंकि शाओमी ऐड को ऐड करता ही जा रहा है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज भी बहुत ही बेकार चीज़ है जो कि आपके लिए, देख सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, अब सेटिंग में भी एक ऐड का ऑप्शन ऐड कर दिया गया। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे मैनेज ऐप्स में, तो यहाँ पे आपको एक ऐप देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे डुअल ऐप्स देखने को मिलता था लेकिन अब फाइंड ऐप्स इन्होंने कर दिया, जिसे फाइंड ऐप्स पे करते ही इनका खुद का ऐप खोलने लग जाता है, जो कि आप देख सकते हैं MI की, जो कि ऐप उनका जहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ब्राउजर से। तो एक काफ़ी गलत बात है कि ये अपनी फायदे के लिए सेटिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं शाओमी वाले, अब इनका क्या करें ये तो पता नहीं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा चेंज किया गया, वो मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी में जैसे ही अपने मोबाइल के जाएंगे, मोबाइल की सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा गेम बूस्टर मोड का ऑप्शन। तो जैसे ही आपको इस पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे इसकी सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे, पहले डायरेक्ट ही इन्हांस एक्सपीरियंस था लेकिन अब इन्होंने कर दिया, इसके अंदर कुछ ऑप्शन ऐड कर दिए हैं जिससे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। अगर आपको मैन्युअली इसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपको करना ऑटो ब्राइटनेस ही, उनको पहले सारे कुछ रेस्टिकेट हो जाते थे लेकिन आप अपनी मर्जी से इसमें रेस्टिकेट करना चाहते हैं, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस ये मैंने पहले वैसे चलना चाहिए, वैसे गेम बूस्टर मोड में नहीं चलना चाहिए, तो ये कुछ है। इसे भी आप ऑन कर सकते हैं, रीड मोड भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन शॉट, जैसे कि आप 3 डॉट स्क्रीन शॉट लेते हो तो वो उस गेम के अंदर आपका नहीं करेगा, जो भी गेम आपने ऐड कर रखी है या जो भी ऐड। उसके बाद आपको मिलता है डोंट ओपन नोटिफिकेशन सेट, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन भी आप नहीं खोल पाएंगे अगर जब भी किसी किसी भी ऐप को चलाना चाहते हैं, अगर इसको ऑन कर देते हैं। जैसे कि मैं चलाता हूँ ये लूडो गेम चलने के बाद देख सकते हैं, अभी चालू होने दो, चालू होने के बाद देख सकते हैं अभी कुछ हो चुका है। अब मैं किसी भी स्लाइड करूंगा तो ये नीचे नहीं होगा, सिंपली आपको इधर से स्लाइड ही करना पड़ेगा या ऊपर से। तो यहाँ से आप टर्बो गेम बूस्टर की मदद से ही स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या दो बटन से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लेकिन 3 डॉट स्क्रीन शॉट सारे कुछ रेस्टिकेट ऑन कर रखा है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज भी आपको, मैंने वैसे तो उसको ले नहीं रखा लेकिन आपको बता देता हूँ, स्क्रीन शॉट भी लेना भूल गया। जैसे आप इसे ऑफ करेंगे, अगर आपको मोबाइल को चार्ज में लगा रखा होगा, ठीक है चार्ज में लगा रखा होगा, तो यहाँ पे पहले सर्कल से दिखाता था 99%, गोल से दिखाता था, लेकिन अब सीधा ही जैसे स्वाइप टू ये इसी जगह पे यहाँ पे लिखाएगा आपके परसेंटेज, सर्कल को हटा दिया गया जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, काफ़ी छोटा दिखता है तो देखने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं तो। बस इस MIUI 9.5.16 के अंदर यही कुछ चेंज किए गए थे। अगर आपको कुछ लगता है चेंजेस किए गए हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस और किसी में कुछ बग फिक्सेस किए गए हैं, आपको पहले भी एक अपडेट सस्पेंड हो चुका था जिसकी मैंने वीडियो नहीं दी थी। अगर आप बीटा यूजर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। स्टेबल का पता नहीं, स्टेबल में 4-5 महीने हो गए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला। तो बीटा के अंदर आपको मिलते रहेंगे, एक आधे ही अपडेट सस्पेंड होते हैं, नहीं तो अपडेट नहीं होता। महीने के अंदर 4 से 5 अपडेट मिल ही जाएंगे आपको बीटा के, तो बीटा वर्जन काफ़ी अच्छा है सर। मेरे को ये काफ़ी इसमें बग उतना फेस नहीं मिलता जितना कि स्टेबल में मिलता है, पर लोगों का कहना है कि बीटा के अंदर ज़्यादा बग्स है, कई बार आ जाते हैं बग्स तो उसको आपको झेलना पड़ता है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।